पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। एक 5 kg का ब्लॉक है और वो उसका अभी मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम 10 दे रखा है, मास 5 है, वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो सॉल्व करोगे तो यू वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब शुरुआत में जो ये ब्लॉक है, ये बॉडी है, ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी। फिर इसमें एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी ना बॉडी, उसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। और कब तक लगाते रहे? 5 सेकंड तक। तो 5 सेकंड के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आया, आपको वो बताना है। तो हमें पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमें वी का फॉर्मूला पता है। पहले तो ये हमें बताया कि फोर्स हमने कितना लगाया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमने लगाया है 2 न्यूटन का, मास है 5 kg, तो एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर? 2/5, जिसको 0. हम क्या बोलेंगे, 4 m/s². अब हमारे पास थर्ड फर्स्ट इक्वेशन मोशन होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं? अब जरा इसको डायग्राम से एक बार समझ ले। ये वो पोजीशन है जब बॉडी मोमेंटम से जा रही थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 m/s से जा रही थी। मान लेते हैं इस ए पॉइंट से इस ब्लॉक पे फोर्स लगाना शुरू किया, लगाते गए लगाते गए, यहां तक लगाते गए। तो जब यहां तक लगाते गए तो यहां पर तो उसके पास जो वेलोसिटी थी वो 2 m/s थी, पर यहां तो वेलोसिटी कुछ और होगी। तो एज्यूम करते हैं यहां पर वेलोसिटी है वी, यहां से लेकर यहां तक फोर्स लगाया गया है। तो इसका मतलब है कि बॉडी जैसे यहां पहुंची होगी तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। यहां से यहां तक में बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जितना फोर्स लगा है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मैंने भी ऊपर निकाल लिया था ये वाला। तो मुझे यहां से यहां तक के मोशन में एक्सेलरेशन पता लग गया। तो अब मुझे चाहिए कि इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी क्या है। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू यू की जगह आप क्या रखेंगे? 2। a की जगह रखेंगे 0.4। टाइम आप देखेंगे तो ये 5 सेकंड दे रखा है। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है इस जगह जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 4 m/s। अब आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो उसका मतलब है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m बाहर कर दिया, v² - u² हो गया। मास कितना है हमारे पास? 2 kg। ये v है 4, तो ये जाएगा 16, u है 2, ये हो जाएगा 4, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये हमारे पास कितना आ गया? 12। तो इसका मतलब 12 जूल हमारा आंसर होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आया है, कितना इंक्रीज हुआ है? 12 जूल।